हेलो एवरीवन, आज हम आए हुए हैं क्रिकेट मैच देखने। नॉर्थहैम्पटन और इंडिया की बीच की जो है T20 मैच है और वो देखने आए हैं। अभी हम बस क्रिकेट ग्राउंड में घुसे हैं, अभी अपने स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी वेयर वी हैव टू गो। वेदर आज थैंकफुली अच्छा है, इन द सेंस कि बहुत गर्म नहीं है और बहुत ठंडा नहीं है। कार्डिगन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि बीच में जब सन जाता है और बादल आते हैं तो बीच में आपको ज़रूरत पड़ जाती है कार्डिगन की। आवाज़ आने शुरू होगी ग्राउंड से। अब मौसम सुबह तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद एकदम से बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। तो हम सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि बचें रेन से, सोचें कि जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मैच शुरू हो। वी आर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। रेन ख़त्म हो गई है फाइनली और अब मैच शुरू होने वाला है। तो बादल तो अभी भी हैं, लेकिन होपफुली अब क्लियर आउट हो जाएगा। हमारा वेयर इज योर फ्लैग। यहाँ जैसे ही प्लेयर्स थोड़े फ्री होते थे ना, जैसे बॉलिंग नहीं हो रही होती कुछ, तो सारे जो पास में होते थे उन सबको बच्चे वहाँ पे बुला लेते थे सेल्फी के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो इन दी एंड तो जो वहाँ पे जो वार्डन थे उन्होंने मना कर दिया कि प्लेयर्स को कि आना नहीं है यहाँ पे, नहीं तो सारे अंदर आ रहे थे वो। तो यहाँ पे जो है चहल है जो ऑटोग्राफ दे रहा है। वैसे गर्मी थी, लोगों ने सन हैट लगा रखे थे, बट पता नहीं चहल को क्यों ठंड लग रही थी, उसने पूरा विंटर्स वाला वूली हैट लगा रखा था, जबकि वो तो दौड़ भी रहा था, खेल भी रहा था। आई डोंट नो उसको क्या था। इंडिया मैच जीत गया और बहुत ही अच्छा मैच था। एंड तक जो है उसमें एक्साइटमेंट बनी रहेगी कौन जीतेगा, और लास्ट ओवर में जो है उनका लास्ट विकेट लिया एंड उसके कारण जो मैच जीत गया। इट्स वेरी नाइस।
अभी बस हम जा रहे हैं जहाँ हमने कार पार्क कर रखी है और उसके बाद हम जाएंगे अपने फ्रेंड्स के घर. सो दैट वॉज एंड टू अ वेरी गुड डे, वेरी नाइस डे आउट, और हमारा मैच भी बहुत अच्छा रहा. सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.